आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट है सुड। और देखिए सिंपल सा ये सुड है, और सुड का यूज नॉर्मली आपको करना चाहिए के लिए, बस इतना सा याद रखना बस, है ना। जैसे देखो अभी ये चीज़ आपको केवल एक इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपका थोड़ा जैसे इंग्लिश के प्रति थोड़ा लगाव हो जाए, है ना, इंटरेस्ट हो बन जाए। तो सिंपल सा कहीं भी अगर चाहिए होगा नॉर्मली, ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूर चाहिए, है ना, ये सब अभी हटा दो। अभी अगर नॉर्मली चाहिए की बात हो तो वहाँ पर किसका यूज करोगे, सुड का यूज करोगे। सिंपल सा जहाँ पर नॉर्मली चाहिए की बात हो, जैसे देखो मैं कह दूँ, और हाँ एक चीज़ और समझना, जब ये चाहिए के सेंस में वहाँ पर मुझे की इंग्लिश आप मी नहीं लिखना है, आपको मुझे की इंग्लिश लिखना है, आई लिखना है, ठीक है। इसी तरह तुम्हें की इंग्लिश आपको क्या लिखना है, यू लिखना है, तुम्हें की इंग्लिश यू, या आप बोल सकते हैं तुमको कि आपको की इंग्लिश यू, है ना, या एक और होती है तुमको, तुम्हें, तुमको या आपको, इन तीनों के लिए किसका यूज किया जाता है, यू का यूज किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में हमें, इसके बाद में क्या, हमें, तो हमें या हमको, ध्यान देना हमें या हमको दोनों की इंग्लिश होती है बी। यहाँ पर आपको अभी देखो जस्ट एक आप ऐसे समझ सकते हो, एक बेसिक रूप में आपको केवल इतना समझना है। अभी हटा दो आप, ठीक है, हमें की इंग्लिश अस भी होती है, अभी कुछ देर उन सबको भूल जाइए। क्लियर है? क्योंकि थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो अभी आपको नॉर्मली इतना याद रखना है कि जब मुझे के बारे में बात हो या मुझको के बारे में बात हो, जब किसके बारे में हो, मुझे के बारे में बात हो या मुझको के बारे में बात हो, तो वहाँ पर आई का यूज करना है। और जब तुमको, तुम्हें या आपको या आपकी बात हो, ठीक है, तब वहाँ किसका यूज करना है, यू का यूज करना है, वाई ओ यू। और जब हमें या हमको की बात हो तो वहाँ पर किसका यूज करना है, बी का यूज करना है, है ना। इसी तरह जब उसे, है ना, जब उसे या उसको की बात हो तब क्या यूज करना है, ही का यूज करना है। और यहाँ पर आप सी का भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कह दूँ उसे नाचना चाहिए, तो ध्यान से समझना, उसे नाचना चाहिए, यहाँ दो क्वेश्चन आता है, उसे किसको नाचना चाहिए, मेल को कि फीमेल को। तो अगर मैं कह दूँ उसे नाचना चाहिए, तो दोनों हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो इसलिए उसे और उसको की इंग्लिश दो होती है। ही कब लिखेंगे, जब मेल की बात होगी, मेल का मतलब समझ रहे हैं ना, पुरुष की बात हो। और सी तब लिखेंगे जब किसकी बात हो, जब किसकी बात हो, फीमेल की बात हो। क्लियर है? किसी वुमेन की बात हो, गर्ल की बात हो, तो वहाँ पर उसे या उसको के लिए किसका यूज करोगे, ही या सी। तो जब फीमेल की बात हो तब से, और जब मेल की बात हो तब ही का यूज करना है, है ना। इसी तरह एक और यहाँ पर आता है उन्हें, क्या आता है, उन्हें और उनको। देखो यहाँ पर दोनों में अंतर है, उसे उसको है, और यहाँ पर क्या है, उन्हें या उनको। जब उन्हें या उनको की बात हो तो वहाँ पर किसका यूज करना है, वहाँ पर यूज करना है दे का यूज करना है। जब उन्हें या उनको की बात हो तो वहाँ पर किसका यूज करना है, दे का यूज करना है। अभी इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? जब मुझे या मुझको की बात हो तब किसका यूज करना है, आई का। जब तुमको, तुम्हें या आपको की बात हो तब किसका यूज करना है, यू का। और जब हमें या हमको की बात हो तब किसका यूज करना है, बी का। और उसे या उसको के सेंस में या तो ही का प्रयोग करना है या तो सी का प्रयोग। ही का प्रयोग वहाँ करेंगे जब मेल की बात होगी, है ना। जैसे ऐसे समझ सकते हो, वह की दो इंग्लिश होती है, एक ही होती है, लेकिन जब मेल है तब ही, और जब फीमेल है तब सी। तो सेम यहाँ भी, उसे और उसको की इंग्लिश तो ही उस समय जब मेल होगा, मेल का मतलब कोई पुरुष होगा, और सी उस समय जब कोई क्या होगा, फीमेल होगा, है ना। और उन्हें और उनको की इंग्लिश क्या होगी, दे होगी। क्लियर है ना? उन्हें या उनको की इंग्लिश दे होगी। और चाहिए के लिए क्या यूज करना है, शुड। अब देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी सिंपल सा आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस रहे ना, अभी देखो अभी स्टार्टिंग फेज में आप इतना सीखो, जिसके बारे में बात हो उसको लिख देना है। क्लियर है? जिसके बारे में बात हो उसको लिख देना। इसको ऐसे समझ लो, जैसे देखो ये रामू है। क्लियर है? ये कौन है, रामू है। मान लीजिए रामू से थोड़ा पंगा हो गया और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें मारूंगा। क्लियर? इस चीज़ को समझना, तुम यहाँ पर हो,
ठीक है, तुम कह रहे हो राम तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, अब ये बताओ आपको इनको मारना है, ठीक है, एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल है समझो, तो ये बताओ मारने के पहले आप इनके बारे में जानोगे या डायरेक्ट मारने पहुंचोगे, बताओ दिमाग लगाओ, पहले आप जानोगे कौन है कहाँ रहता है ना, इनके पीछे कौन है अर्थात इनके है ना मेन सपोर्टर कौन है, सारी चीज़ें पता करोगे या आप डायरेक्ट चले जाओगे, पहले सारी चीज़ें, पहले तो मेन ये आप पता करोगे भाई है कौन, क्या हमसे शक्तिशाली तो नहीं है, नहीं पता लगे हम चार आदमियों के ले चले वहाँ 40 आ रहे हैं, है ना, तो ये तो पहले देखना होगा। तो बस सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति को मारना नहीं है, ये पाप है, पाप नहीं करना है, आपको क्या करना है सेंटेंस जो भी दिया रहेगा सबसे पहले देखो बात किसके बारे में हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है, जैसे मैं कहूँ मुझे खाना खाना चाहिए, अब देखो सिंपल से यहाँ देखो मुझे खाना खाना चाहिए, बात किसके बारे में हो रही है, मुझे की बारे, बात किसके बारे में हो रही है, मुझे के बारे में हो रही, तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है बताओ, आई होती है, क्योंकि अभी बताया गया ना जब इसके बारे में, और हाँ एक चीज़ और समझो, जिसके बारे में बात होती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, सीधा सीधा ये सब हटाओ कि हाँ सब्जेक्ट मतलब करता, करता मतलब करने वाला, गो टू हेल, सीधा आप इतना दिमाग में ये रखो कि जिसके बारे में बात हो, जिसको फोकस में रखा जाए वही होता है सब्जेक्ट, तो मुझे खाना खाना चाहिए तो बात किसके बारे में हो रही है, मुझे, तो मुझे की इंग्लिश हो गई आई, तो आदमी आपने राजू रामू को पहचान लिया, अच्छा तुम्हारा नाम रामू है, फिर देख लो इनके पीछे कौन है ना, फिर क्या करो सबसे पहले जिसके बारे में बात हो उसे लिख दो, फिर पीछे से आ जाओ, चाहिए की इंग्लिश क्या होगी शुड होगी, चाहिए की इंग्लिश क्या होगी शुड, और यहाँ खाना कौन सा काम हो रहा है खाने का, तो खाने की इंग्लिश क्या होगी ईट, है ना, और इसकी इंग्लिश क्या होगी फूड होगी, तो यहाँ क्या हो कर दो द फूड, बस समझे, सिंपल सा आपको इतना फॉलो करना है, सबसे पहले जिसके बारे में बात हो उसको लिख दो, बात किसके बारे में हो रही है मुझे के बारे में हो रही, तो मुझे की इंग्लिश क्या हो गई आई होगी, मुझे की इंग्लिश क्या हो गई आई होगी, फिर क्या करो पीछे देख लो कौन है, मतलब पीछे से आ जाओ, समझे क्या करो पीछे से आ जाओ, क्लियर है, तो पीछे कौन है चाहिए, चाहिए की इंग्लिश क्या है शुड, फिर खाना, खाने की इंग्लिश ईट, और इस वाला ये वाला खाना है तो द फूड, आई शुड ईट द फूड, समझ में आया। एक मैं और बता रहा हूँ, जैसे मैं कह दूँ कि आपको, ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, और मैं कह दूँ चलो इसकी इंग्लिश बनाइए, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, तो देखो बात किसके बारे में हो रही है यहाँ पर आपको, आपको की इंग्लिश क्या होगी यू होगी, लिख दो यहाँ पर यू हो गया, है ना, अच्छा फिर क्या करो देखो पीछे कौन है, मतलब सबसे पहले जिसके बारे में बात हो उसको लिखो, और फिर कहाँ से आ जाओ पीछे, तो पीछे से मतलब चाहिए की इंग्लिश क्या होती है शुड, तो यू शुड क्या हो गया यू शुड, अब देखो यू शुड हुआ, फिर देखो यहाँ कौन है खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होगी प्ले, तो यू शुड प्ले क्या हो गया यू शुड प्ले, है ना, क्या खेलना चाहिए क्रिकेट, तो यू शुड प्ले द क्रिकेट, यू शुड प्ले द क्रिकेट, समझ में आया, यू शुड प्ले द क्रिकेट, ये हो गया आपका। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसा कह दूँ कि आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, जब नहीं आ जाए तो क्या करना, शुड के बाद में क्या लगा दो नॉट, यू शुड नॉट प्ले द क्रिकेट, मान लो ऐसा हो क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, हाँ मान लो अगर नहीं वाला आ जाए तो क्या कर दोगे यू शुड नॉट, बस है ना, आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि शुड के बाद में क्या लगा देना नॉट, एक्चुअली शुड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो यू शुड नॉट और यहाँ प्ले द क्रिकेट, समझ में आया। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए क्या आपको खेलना चाहिए, तो भाई एक चीज़ कसम खा लो कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू है, देखो क्या बीच में है वो बात अलग है ना, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस जो किससे शुरू हो, क्या से शुरू है, कभी भी क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसे मैं कह दूँ कि क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए,
क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो देखो कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, तो लिखना क्या है, क्या क्या स्थान पर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब कौन है, शुड है, तो शुड को पहले कर दो, क्या कर दो, शुड को पहले कर दो, और जब पहले कर दिए तो दोबारा नहीं लिखना है, समझे। मतलब इसको ऐसे समझ लो, अगर तुमको एक बार प्रसाद मिल गया तो दोबारा मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा ना, बचेगा तब मिलेगा, है ना। जैसे एक बार मान लो 100 रुपये मिल गए मेला देखने के लिए, तो दोबारा तभी मिलेगा अगर एक्स्ट्रा पैसा है तब, अदरवाइज ये कहा जाएगा तुमको 100 रुपया मिला है, है ना, अब दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो देखो शुड एक बार तो हमने रख दिया, अब दोबारा इनको नहीं रखेंगे, दोबारा नहीं रखेंगे, तो शुड यू, और यहाँ क्या कर देंगे, सीधा प्ले, शुड यू प्ले द क्रिकेट, समझ में आया, शुड यू प्ले द क्रिकेट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि यहाँ दोबारा क्यों नहीं रखा गया भाई, क्योंकि एक बार ये इनको प्रसाद मिल गया, दोबारा नहीं देना है, क्लियर है। और वैसे भी कोई भी सेंटेंस कोई भी हो, दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा, डजेंट मैटर, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस डेट स्टार्ट्स विद क्या, देन यू डोंट राइट द इंग्लिश ऑफ क्या। आपको क्या करना है, क्या की इंग्लिश सबसे पहले नहीं लिखनी है, बल्कि क्या लिखनी है, क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब। अब शुड हो, कैन हो, जैसे मान लो आप, क्या आपको क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो, तो अगर सकते वाला सेंस आ जाए तो कैन यू, चाहिए वाला है तो क्या होगा, शुड यू, समझ में आया, इतना क्लियर है ना। चलिए फिर इस पर आपको सेंटेंस बनाना है, क्लियर है। अब आपको सेंटेंस कैसे बनाना है मैं एक बता दे रहा हूँ, क्लियर है, होमवर्क कैसे करना। जैसे देखो आपको 3 सेंटेंस लिखना है, अब एक नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 3 लिखना है। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस में कह दूँ, जैसे मैं कह दूँ वह आ सकता है, है ना, वह आ सकता है, देखो एकदम छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, वह आ सकता है, फिर धीरे धीरे आप लेवल इंक्रीज करना, वो घर आ सकता है, है ना, वो मेरे यहाँ आ सकता है, वो मेरे साथ आ सकता है, लेकिन अभी छोटे छोटे समझो, कोई दिक्कत नहीं। वह आ सकता है, फिर इसका नेगेटिव बना दो, वह नहीं आ सकता है, वह नहीं आ सकता है, फिर इसका क्या कर दो, इंटेरोगेटिव बना दो, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या, वह आ, क्या वह आ सकता है, ऐसे कर दो, क्लियर है। तो देखो सिंपल सा है, वह आ सकता है, बात किसके बारे में हो रही है, वह के बारे में, बात किसके बारे में हो रही है, वह के बारे में, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही, सकता है के लिए क्या यूज करेंगे, पीछे से आना है, कैन, है ना, ही कैन, और आना की इंग्लिश क्या होगी, कम, ही कैन कम, है ना, वह नहीं आ सकता है, वह नहीं आ सकता है, तो ही, अब क्या करोगे, कैन नॉट कर दो भाई, कैन के बाद में नॉट, जैसे इन्होंने हिंदी में लाकर नहीं इंटर कर दे, वैसे तुम भी को, अच्छा मैं भी नॉट को इंटर कर दूंगा, क्योंकि नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट, तो ही कैन नॉट कम, ही कैन नॉट कम, वह नहीं आ सकता, क्या वह आ सकता है, अच्छा ये तो भाई रूल है कि अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं बल्कि क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या वह आ सकता है, कैन, कैन को पहले कर दो, है ना, कैन ही, अब जब पहले लिख दिया हमने कैन तो दोबारा तो लिखना नहीं है, तो कैन ही कम, कैन ही कम, समझ में आया। जैसे सकता है, अभी आपको क्या, अब इसी पर चाहिए वाला बना लो, इसी पर क्या कर दो, चाहिए वाला, जब चाहिए वाला बनाओगे तो क्या होगा, उसे आना चाहिए, देखो यहाँ पर उसे आना चाहिए, चाहे आप ऐसा बोलो, उसे आना चाहिए या उसको आना चाहिए, बात तो एक ही हुआ ना। फिर इसका क्या करो, क्या कर दो, नेगेटिव बना दो, जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, उसे नहीं आना चाहिए, है ना, उसे नहीं आना चाहिए, क्लियर है। फिर क्या करोगे, इंटेरोगेटिव बनाओगे, तो इंटेरोगेटिव अभी आपको सिंपल किससे शुरुआत करना है, क्या वाला, है ना, किससे बनाना है, क्या से, तो क्या उसे आना चाहिए, क्या उसे आना चाहिए, क्या उसे आना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पर ध्यान देना, उसे आना चाहिए, बात किसके बारे में हो रही है, उसे, अब ये बताओ उसे की इंग्लिश क्या होगी, दे तो उन्हें की इंग्लिश होती है, उसे की इंग्लिश या तो ही होगी या तो सी, अगर वो मेल है तो ही होगी, अगर वो फीमेल है तो क्या होगी, भाई उसे आना चाहिए, मेल भी हो सकता है ना, फीमेल भी तो हो सकती है, तो ही, चाहिए की इंग्लिश क्या होगी, शुड। तो नॉर्मली, अभी नॉर्मली सेंस में
शुड, ही शुड आना की इंग्लिश क्या है, कम। अच्छा ही शुड कम को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, सी शुड कम भी तो कर सकते हैं, बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, उसे आना चाहिए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसे नहीं आना चाहिए। अब यहाँ क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट कम, ही शुड नॉट कम, उसे नहीं आना चाहिए। नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी शुड नॉट कम, है ना, सी शुड नॉट कम, उसे नहीं आना चाहिए। क्या उसे आना चाहिए, तो अभी क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव पहले कर देंगे, जब इंटेरोगेटिव, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है ही भाई, क्लियर है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, शुड ही कम, शुड ही कम। अच्छा इसको ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, शुड सी कम भी तो लिख सकते हैं, क्लियर है, शुड सी कम भी लिख सकते हैं। तो अभी देखो ये पूरा एक सेंटेंस है, समझ पा रहे हैं ना, एक सेंटेंस में आपको कितना बनाना, छः सेंटेंस, क्लियर है। अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, आप कोई एक उठा लो, कोई एक उठा लो, जैसे सिंपल सा, चलो चाय की बात है, मैं चाय पी सकता हूँ तो क्या होगा, आई कैन, अब यहाँ ड्रिंक नहीं होगा, चाय पीना की इंग्लिश टेक होता है, टेक टी, ध्यान देना इसको, हाँ, जिसको ऐसे मतलब ऐसे पानी की तरह ना पी, ना पिए, उसके लिए क्या होगी इंग्लिश, टेक होगी, है ना। अब चाय तो ऐसे पीते नहीं, पानी की तरह उठाया और सीधा भाई नेक्स्ट लेवल का, ऐसा तो करते नहीं हो, कि करते हो, नहीं करते हो ना, तो चाय को आप क्या करते हो, ऐसे स्वाद लेकर पीते हो थोड़ा थोड़ा, हाँ गरम गरम में ज़्यादा मज़ा आता है, है ना, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर टेक होगा, तो जैसे मैं चाय पी सकता हूँ, आई कैन टेक टी, मैं चाय नहीं पी सकता हूँ, आई कैन नॉट टेक टी, क्या मैं चाय पी सकता हूँ, तो कैन आई टेक टी, है ना, ये सकता वाले, अब क्या चाहिए पर आ जाओ, मुझे चाय पीना चाहिए, आई शुड टेक टी, मुझे चाय नहीं पीना चाहिए, आई शुड नॉट टेक टी, क्या मुझे चाय पीना चाहिए, क्या मुझे चाय पीना चाहिए, भाई पूछ नहीं रहा हूँ, इंग्लिश पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं तो आप कहो नहीं नहीं सर पीना चाहिए, हाँ क्या होगा, शुड आई टेक टी, समझ में आया। तो इस तरह से आपको मतलब एक सेंटेंस लेना है, लेकिन उस पर कितना बनाना है, इस तरह से छः बनाना, जैसे यहाँ पर देखो, पहले हमने सिंपल सा अफर्मेटिव, फिर क्या किया नेगेटिव, फिर क्या किया क्या से शुरू कर दिया, फिर इसको यही सेंटेंस को हम चाहिए के सेंस में उठा दिए, समझ पा रहे हैं ना, जब चाहिए के सेंस में, तो ये देखो कितना हुआ, सिक्स हुआ, समझ में आया। तो ऐसे आपको कितना सेंटेंस, मतलब एक पर सिक्स बनाना, मतलब एक सेंटेंस उठाओ और उसको कितने ब्रेक में करो, सिक्स में ब्रेक करो, ऐसे मैं आपसे पूछूंगा अभी, समझ पाए नहीं समझे, तो आपको ऐसे ज़्यादा नहीं बनाना है, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बनाना है, ओनली 10 सेंटेंस बनाना है, क्लियर है। और 10 सेंटेंस का मतलब ये कितना जाएगा, 60, ज़्यादा तो बताया नहीं भाई, केवल 10 ही दिया है, क्लियर है, समझ में आया कैसे काम करना है वर्क, हाँ, सो दिस इज योर होमवर्क, देखो ज़्यादा नहीं है,